अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 जर्नल एंट्रीज। नाउ इस क्वेश्चन की हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है। जर्नल प्रॉपर में हम सभी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एक प्रिंसिपल बुक है जिसमें ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं। तो जो आपने प्रीवियस क्लास में लर्न किया था उन रूल्स को यूज करके यहाँ पे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो फर्स्ट है जर्नल एंट्री, इसकी फॉर्मेट बना लेते हैं। ऊपर हमें जर्नल प्रॉपर लिखना है यहाँ पर, और एक कॉलम हमने यहाँ पे लेजर फोलियो का नहीं बनाया है। यहाँ पे एक और कॉलम बनता है लेजर फोलियो का, बट उसकी यहाँ भी नीड नहीं है तो हम उसको नहीं बना रहे। डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये चार कॉलम्स हमने बनाए। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो टाइप के अकाउंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो बिजनेस को जो भी असेट मिल रहा होता है वो, और दूसरा ओनर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है बिजनेस में, और उस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कैश और कैपिटल। तो कैश असेट है और बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो हमें कैश को डेबिट करना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल को हम कैश को डेबिट करते हैं और डेबिट कॉलम में लिखते हैं 1 लाख। और फर्म का जो कैपिटल है वो भी बढ़ रहा है। कैपिटल मतलब ओनर की इन्वेस्टमेंट, ओनर ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करें बिजनेस में, रमेश जो कि ओनर है, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है फर्म का, तो यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और जब वो डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। सेकेंड, पेड इंटू बैंक। पेड इंटू बैंक का मतलब है कि बैंक में 20,000 रुपीज़ जमा कराए। ट्रांजेक्शन क्या मीनिंग हमें निकालना है, ये जो लिखे हैं ये सब ट्रांजेक्शन हैं, इनका मीनिंग हमें निकालना है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। फिर हमें फाइंड आउट करना है कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, फिर उन्हें डेबिट करेंगे या क्रेडिट। तो बैंक में 20,000 रुपीज़ हमने जमा कराए, तो जब बैंक में हमने 20,000 रुपीज़ जमा कराए तो बिजनेस के पास जो कैश पड़ा हुआ था, जो कैश की फॉर्म में था, पेपर करेंसी की फॉर्म में था, उसको ले जाके बैंक में जमा करा, तो कैश कम हो जाएगा, पेपर फॉर्म में जो कैश है वो कम हो जाएगा, और बैंक के अंदर जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। बैंक भी एक असेट है, तो यहाँ बैंक और कैश दो असेट इन्वॉल्व हैं। बैंक इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। कैश जो कि दूसरा असेट है वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो अप्रैल 2 की जो जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। जर्नल एंट्री में ये 2 का कोई ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक कस्टम है कि अकाउंटेंसी में ट्रांजेक्शन्स को ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। जिसे डेबिट करना होता है उसके बाद डेबिट लिखते हैं, लेकिन जो क्रेडिट हो रहा होता है उसके बाद क्रेडिट लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ आगे 2 लिखते हैं, और यहाँ पर एक स्पेस दे के लिखते हैं, थोड़ा सा छोड़ के लिखते हैं। नाउ बॉट गुड्स फॉर कैश 50,000, गुड्स खरीदे 50,000 के। तो आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी, जब गुड्स हम परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं या फिर स्टॉक परचेस करते हैं, तो हम उसे परचेस लिखते हैं, क्योंकि वो गुड्स जो परचेस किए जाते हैं वो रीसेल के लिए परचेस किए जाते हैं, तो हम उसको परचेस लिखते हैं। परचेस ये सिग्निफाई करता है कि गुड्स या रॉ मटेरियल या कुछ ऐसी चीज परचेस की गई है जिसको सेल करना है। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन, अप्रैल 3 का जो ट्रांजेक्शन है वो कैश ट्रांजेक्शन है। हमने परचेस करा है और कैश में परचेस करा है, मतलब पैसों में खरीदा है। तो परचेस करना एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो परचेस अकाउंट यहाँ इन्वॉल्व है। परचेस करने के लिए हमने कैश की पेमेंट करी है 50,000 रुपीज़ की, तो कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो अप्रैल 3 को हम ये एंट्री पास करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, परचेस बीइंग एन एक्सपेंसेस डेबिट और कैश जो है क्रेडिट हुआ है। यहाँ पर आप अभी नरेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नरेशन लिखना हम बाद में सीख लेंगे, जो ट्रांजेक्शन है इनके बाद नीचे ऐसे ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं वो हम बाद में लिखना सीख लेंगे, बहुत ईजी है वो। तो गुड्स परचेस करे कैश में, तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये अप्रैल 2 वाली एंट्री का जस्ट रिवर्स है। अप्रैल 2 में हमने बैंक में पैसा जमा करा था, अप्रैल 4 में हम पैसे को निकाल रहे हैं। यहाँ पर ऑफिस यूज लिखा है, इसका मतलब बिजनेस यूज के लिए ही निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर्सनल यूज लिखा होता तो वो ड्रॉइंग हो जाती। यहाँ ऑफिस यूज है मतलब बिजनेस के यूज में, कैश को बिजनेस के यूज में लेना है इसलिए उसको निकाल रहे हैं। तो अगेन 2 अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पर, बैंक और कैश, और इस बार कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है
और जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम कैश असेट डेबिट करेंगे और बैंक को यहाँ पर हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन 13, सोल गुड्स टू कृष्णा 15,000। गुड्स बेचे कृष्णा को, कैश में बेचे, क्रेडिट में बेचे, कुछ नहीं लिखा है। तो जब इस टाइप का ट्रांजेक्शन आए जिसमें नेम गिवन हो लेकिन कैश नहीं लिखा हो कि कैश में बेचा, तो उसको हमेशा हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन अज्यूम करेंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब कृष्णा को यहाँ पर सेल की है लेकिन जो गुड्स बेचे हैं वो हमने क्रेडिट में बेचे हैं, क्रेडिट मतलब उधार में बेचे हैं, कृष्णा ने कोई पेमेंट नहीं करी, कोई कैश हमें रिसीव नहीं हुआ। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पर हमने गुड्स को बेचा है, तो जब गुड्स रॉ मटेरियल स्टॉक को बेचते हैं तो हम सेल्स लिखते हैं, क्योंकि जो गुड्स हैं वो बेचने के लिए ही खरीदे जाते हैं। तो परचेस करना यहाँ पर डेबिट हुआ था, एक्सपेंस था, तो सेल करना जो है वो रिवेन्यू है, इनकम है, और जब बिजनेस को रिवेन्यू इनकम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। कृष्णा को हमने गुड्स बेचे हैं 15,000 के, तो अब हमें कृष्णा से इन फ्यूचर 15,000 रुपीज़ लेना है, तो कृष्णा हमारा एक असेट बन गया, क्योंकि हर वो चीज़, हर वो प्रॉपर्टी जो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो उसको हम असेट बोलते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा जो है एक असेट में बन के लाएगा, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कृष्णा टू सेल्स। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम 22,500। श्याम से गुड खरीदे हैं और 22,500 में खरीदे हैं, तो ये परचेस है और क्रेडिट परचेस है, क्योंकि यहाँ पर कैश मेंशन नहीं है। इसका मतलब श्याम से जो गुड खरीदे हैं वो उधार में खरीदे हैं, जैसे पहले उधार में कृष्णा को गुड्स बेचे थे वैसे ही अप्रैल 20 वाले ट्रांजेक्शन में श्याम से गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं। तो जब हम क्रेडिट में परचेस करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो वो पर्सन हमारा क्रेडिटर बन जाता है, मतलब वो जिसको हमें फ्यूचर में पेमेंट देना है, एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जैसे यहाँ पे गुड्स कैश में परचेस हुए थे वैसे यहाँ पे क्रेडिट में परचेस हुए, तो इस ट्रांजेक्शन में हम परचेस लिखेंगे क्योंकि गुड्स परचेस हुए हैं। तो अप्रैल 20 परचेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेस अकाउंट एक्सपेंस है, बिजनेस का एक एक्सपेंस हुआ, और नीचे आएगा टू श्याम, क्योंकि गुड्स हमने श्याम से परचेस करें और हमें श्याम को पेमेंट करना है, तो श्याम एक लाइबिलिटी हो गया। नाउ कृष्णा रिटर्न गुड्स 2,000। कृष्णा ने 2,000 रुपये के गुड्स वापस कर दिए, तो इसको हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। हमने कृष्णा को जो गुड्स बेचे थे वो उसने वापस कर दिए, तो हमने सेल करी थी वो गुड्स हमें वापस आ गए, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये समझ ली आपने कि सेल्स रिटर्न है। नाउ सेकेंड चीज़, कृष्णा को हमने गुड्स बेचे थे उधार में 15,000 रुपीज़ में, और 15,000 रुपीज़ उससे हमें लेना थे। जब वो अब 2,000 रुपीज़ के गुड्स वापस कर देगा तो इन फ्यूचर वो हमें सिर्फ 13,000 रुपीज़ ही देगा, क्योंकि 2,000 के गुड्स तो वो लौटा चुका है। तो हमें जो कृष्णा हमारा डेटर था 15,000 से, वो इस ट्रांजेक्शन के होने के बाद सिर्फ हमारा डेटर रहेगा 13,000 से। तो यहाँ पर एक हमारा असेट कम हो गया, क्योंकि उसने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो उसको हमें कम पे वो अब हमें कम पैसे देगा, तो हमारा एक डेटर डिक्रीज हो गया, एक असेट डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री करेंगे कृष्णा अकाउंट डेबिट, सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, क्योंकि जो गुड्स हमने कृष्णा को बेचे थे वो गुड्स हमें वापस आ गए। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, और जो कृष्णा ने हमें गुड्स रिटर्न करे हैं इसकी वजह से कृष्णा जो असेट था वो असेट डिक्रीज हो गया। ठीक है, नाउ रिसीव फ्रॉम कृष्णा 12,500, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। नाउ आपने यहाँ देखा था कृष्णा को हमने 15,000 के गुड्स सेल करे थे, 2,000 रुपीज़ के गुड्स उसने वापस कर दिए। अब अप्रैल 24 को उसको 13,000 रुपीज़ हमें देना थे, तो 13,000 रुपीज़ में से उसने हमें 12,500 रुपीज़ दिए, और हमने उसको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ किया। जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो कैश हमें रिसीव हुआ 12,500 का,
डिस्काउंट हमने अलाउ किया उसको 500 रुपीज़ का। तो कृष्णा ने ऐसे करके आप अपने जो रिमेनिंग 13,000 रुपीज़ जो उसको देना थे वो हमें पे कर दिए। तो यहाँ पर हम कंपाउंड एंट्री करेंगे, दो एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होंगे। सबसे पहले हमें कैश रिसीव हुआ है 12,500 का, तो हम कैश को डेबिट कर लेते हैं। फिर हमने डिस्काउंट अलाउ किया है और डिस्काउंट अलाउ करना एक एक्सपेंस रहता है, तो इसको भी हम डेबिट कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउ डेबिट 500 और कृष्णा से हमें 13,000 रुपीज़ लेना थे, तो ऐसे करके कृष्णा ने जो 13,000 है उसकी पेमेंट कर दी। तो कृष्णा को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे 13,000 रुपीज़ से। तो कृष्णा अब हमारा डेटर नहीं रहा, 2,000 के गुड्स कृष्णा ने यहाँ पर रिटर्न कर दिए थे। यहाँ पे कृष्णा जो है क्रेडिट हुआ था जब उसने गुड्स रिटर्न करे थे, और यहाँ पे कृष्णा ने 13,000 रुपीज़ की पेमेंट करी है। और जब कृष्णा ने यहाँ पर 15,000 रुपीज़ का परचेस किया था तो वो हमारा डेटर बना था। अब वो वापस से क्रेडिट होकर उसका बैलेंस ज़ीरो हो गया। यहाँ पर कृष्णा 15,000 से क्रेडिट है और यहाँ पर 15,000, इन दोनों को मिला के यहाँ पे 15,000 से क्रेडिट है और यहाँ पर कृष्णा 15,000 से डेबिट है। ठीक है, अब हम करते हैं अप्रैल 28 की जर्नल एंट्री। पेड कैश टू श्याम 21,500, रिसीव अ डिस्काउंट ऑफ 1,000। हमने श्याम से गुड्स खरीदे थे, श्याम से गुड्स परचेस किए थे। अप्रैल 20 वाले ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हो परचेस टू श्याम 22,500 के हमने उससे परचेस करे थे। अब हम श्याम को पेमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटी थी वो हमारा क्रेडिटर था, हम उसको 21,500 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो अब हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। जब हमें अमाउंट रिसीव होता है तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। यहाँ पे हमें अमाउंट रिसीव हो रहा था, कृष्णा 12,500 रुपीज़ दे रहा था, तो हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे थे। अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, अगर हम जो अमाउंट देना है उससे कम अमाउंट देते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है, तो श्याम को हम पेमेंट कर रहे हैं तो श्याम हमारी लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी, उसके पूरे 22,500 रुपीज़ हम चुका देंगे, तो एक लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, तो उसको हम डेबिट करेंगे तो श्याम का अकाउंट डेबिट होगा। हमने उसको पेमेंट करी 21,500 रुपीज़ की, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे 21,500 रुपीज़ से। हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ 1,000 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट रिसीव होना इनकम है, जैसे डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंसेस था इसलिए इसको डेबिट किया, तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए एक इनकम है, रिवेन्यू है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे क्रेडिट होगा। फिर अप्रैल 30 ट्रांजेक्शन करते, कैश सेल्स फॉर द मंथ, मतलब पूरे मंथ में हमने 80,000 रुपीज़ की सेल करी। बुक में ट्रांजेक्शन्स जो हैं ऐसे ही आते हैं कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब ये नहीं कि कैश को बेच दिया, कैश सेल्स जो है वो शॉर्ट में है। कैश सेल्स का मतलब हमने सेल करी कैश में, पैसों में हमने बेचा, किसी ने उधार नहीं किया, और 80,000 रुपीज़ की सेल करी हमने ड्यूरिंग द मंथ, तो हमें कैश रिसीव होगा 80,000 और कैश असेट डेबिट होगा, और सेल्स जो है रिवेन्यू इनकम है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। फिर पैड रेंट 5,000, हमने 5,000 रुपीज़ की रेंट पे करी और सैलरी पे करी 10,000 रुपीज़ की नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, तो रेंट एक्सपेंस है डेबिट होगा, और रेंट पे करेंगे तो कैश बाहर जाएगा, कैश कम होगा, उसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में सैलरी पे करी, ये भी सेम है, सैलरी भी एक्सपेंस है, सैलरी को भी डेबिट करेंगे, तो सैलरी डेबिट और सैलरी पे कैश में होगी तो कैश बैलेंस हमारा डिक्रीज होगा, तो कैश को वापस से क्रेडिट करेंगे इसमें भी। क्वेश्चन टू, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, तो बिजनेस को कैश रिसीव होगा 1 लाख रुपीज का, और जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगा, तो कैश को हम डेबिट करेंगे, कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। पैड इनटू बैंक, मतलब पैसों को बैंक में जमा कराया, तो जो इन हैंड मनी है जो पेपर नोट की फॉर्म में कैश है वो डिक्रीज हो जाएगा और बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक असेट इंक्रीज होगा और कैश असेट डिक्रीज होगा, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। जहाँ जहाँ टू कैश दिखेगा आपको, आप समझ जाओगे अब कि कैश कम हो रहा है। जैन 3 बॉट गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड कंपनी, MS जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, छोटी मोटी कंपनीज रहती हैं, उनके सामने
आगे ये हम लिखते हैं। तो हमने गुड्स खरीदे 20,000 रुपीज़ के और कैश यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब कि ये एक क्रेडिट परचेज है। हमने गुड्स खरीदे और एम एस सिंह से कंपनी को पैसे नहीं दिए, तो परचेस गुड्स हुए हैं, इसलिए हम परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स परचेस होते हैं सेल करने के लिए, और हम परचेस को डेबिट करते हैं जब गुड्स स्टॉक रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। और एम एस सिंह जो है वो हमारे क्रेडिटर बन गए, लायबिलिटी, उनको फ्यूचर में पेमेंट देना है, तो हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो उसको क्रेडिट करेंगे। पेड कार्टेज, कार्टेज का मतलब होता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट करते हैं शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, तो उस पर दिया जाने वाला पैकेजिंग और जो मूविंग मूविंग चार्जेस रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कार्टेज बोलते हैं। तो कार्टेज एक एक्सपेंसेस है, तो 300 रुपीज़ का कार्टेज पे किया, तो कैश में ही पे किया होगा ऑब्वियस है, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, और कार्टेज एक्सपेंस एक खर्चा हुआ तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो इस एंट्री में कार्टेज डेबिट होगा 300 रुपीज़ से और कैश क्रेडिट होगा, कैश डिक्रीज हुआ। नाउ परचेस्ड फर्नीचर, फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में हमने फर्नीचर परचेस किया है, किस किस से परचेस किया है नहीं लिखा है, कैश भी नहीं लिखा है, लेकिन हमें यहाँ अज्यूम करना है कि ये एक कैश परचेस है, फर्नीचर खरीदा और पैसे कैश में दे दिए। अगर यहाँ कोई नाम आ जाता तो वो एक क्रेडिट परचेस हो जाता, ट्रांजेक्शन्स की भी एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक नाम आया था तो वो एक क्रेडिट परचेस हुआ था, यहाँ पे सिर्फ परचेस फर्नीचर लिखा है, मतलब ये कैश में फर्नीचर खरीदा है। ना फर्नीचर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर असेट है, फिक्स्ड असेट है, तो स्टॉक रॉ मटेरियल नहीं है, तो एक असेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा फर्नीचर 2,000 रुपीज़ से, और एक दूसरा असेट डिक्रीज हो जाएगा जो है कैश, क्योंकि हमने पेमेंट कैश में करी है। ना हमने ऑर्डर प्लेस किया एचपी प्रिंटर्स 15,000 रुपीज़ का, और हमने अमाउंट एडवांस 5,000, एडवांस का मतलब यहाँ पर हमने ऑर्डर प्लेस करने पर 5,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन 15,000 रुपीज़ का नहीं हुआ, ऑर्डर प्लेस करना ट्रांजेक्शन नहीं होता है, जब तक कोई मॉनेटरी वैल्यू चेंज ना हो या पैसे आए या ना जाए, आए जाए तो ही एक ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पर 15,000 रुपीज़ वाला का ऑर्डर प्लेस करना ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन ये 5,000 रुपीज़ का एडवांस जो है वो एक टाइप का ट्रांजेक्शन है। तो इस ट्रांजेक्शन में हम एचपी प्रिंटर्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हमारे असेट बन गए, उनसे अब हमें एक प्रिंटर लेना है, तो उनको हम डेबिट करेंगे, और हमने 5,000 रुपीज़ का जो कैश दिया है उसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज कैलकुलेटर। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ कैलकुलेटर और परचेस रबर पेंसिल या फिर ये सभी को हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस लिखते हैं या ऑफिस एक्सपेंसेस लिखते हैं, हर एक को इंडिविजुअल एक्सपेंसेस नहीं लिखते हैं। तो आप इसको चाहो इसको कैलकुलेटर को पर कैलकुलेटर अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक कैलकुलेटर जो है एक पर्टिकुलर असेट नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड असेट की तरह यूज होगा। इसीलिए हम जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें हम स्टडी करेंगे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ कैलकुलेटर का इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपेंस है। तो कैलकुलेटर परचेस करना, रबर पेंसिल स्टेशनरी आइटम परचेस करने को हम ऑफिस एक्सपेंसेस स्टेशनरी एक्सपेंसेस के नाम से भी लिख सकते हैं। तो उसको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिख देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, या ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से भी लिख सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। नाउ परचेस कंप्यूटर थ्रू चेक, यहाँ पर हमने एक कंप्यूटर परचेस करा और चेक से परचेस करा, यहाँ पर एक असेट आया है हमें कंप्यूटर, लेकिन इस बार हमने पेमेंट चेक से करी है, तो जब हम चेक से पेमेंट करेंगे तो बैलेंस हमारे बैंक से कम होगा, तो हमें बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इस ट्रांजेक्शन में कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक आएगा। पेड पोस्टेज, पोस्टेज एक्सपेंसेस रहता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ मेल भेजते हैं तो उस पे स्टाम्प्स लगाते हैं, पोस्टेज सभी एक्सपेंसेस को पोस्टेज बोलते हैं, तो पोस्टेज एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट होगा, और उसके लिए हमने कैश पे किया है, कैश रिड्यूस हुआ है तो वो क्रेडिट होगा, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश जर्नल एंट्री होगी। सोल गुड्स फॉर कैश, गुड्स को हमने बेच दिया, इन रिटर्न हमें कैश मिला, तो कैश इंक्रीज होगा, तो हम कैश को डेबिट करेंगे, और गुड्स सेल हुए हैं तो यहाँ पे हम सेल्स रिवेन्यू है,
तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स हम जनरल एंट्री करेंगे। नाउ सोल्ड गुड्स टू एम एस शारदा एंड कंपनी, ये ट्रांजेक्शन प्रीवियस वाले ट्रांजेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या हुआ, इसमें क्रेडिट सेल हुई। इसमें जैन 8 में क्या हुआ था, कैश सेल्स हुई थी, हमने गुड्स बेचे थे इन कैश, और यहाँ पर हमने गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट, उधार में बेचे हैं। तो एम एस शारदा हमारा डेटर बन गया, जो कंपनी है ये हमारी डेटर बन गई, इनसे हमें फ्यूचर में पेमेंट लेना है। तो डेटर भी एक असेट होते हैं, तो यहाँ पे हमें कैश रिसीव हुआ था, बट इस ट्रांजेक्शन में हम एम एस शारदा को डेबिट करेंगे और इनको डेटर बनाएंगे, ये हमारा एक एसेट इंक्रीज हो गया। और नीचे सेल्स आएगा, सेल्स एक रिवेन्यू है। पेड कार्टेज सेम ट्रांजेक्शन, सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। उसके बाद पेड टू एम एस सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट 17,500। ओन अकाउंट का मतलब है, यहाँ पर ओन अकाउंट का मतलब कि उनके बैंक अकाउंट में जाके पैसे नहीं डलवाएं, मतलब जो एम एस सिंह का खाता हम थे उसमें हमने 17,500, अकाउंट का मतलब जो बुक के अकाउंट है उसमें हमने 17,500 की उनको पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर जब हम उनको पेमेंट करेंगे तो एम एस सिंह एंड कंपनी हमारी लाइबिलिटी थी, इसीलिए हमने उनको पेमेंट करी है। जैन 3 वाला ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो, 20,000 रुपीज़ की गुड्स परचेस किए थे जिसमें, और अब हम उनको 17,500 रुपीज़ पे कर रहे हैं। इसका मतलब 2,500 रुपीज़ स्टिल ड्यू हैं। तो जब हम पे करेंगे तो एम एस सिंह एंड कंपनी हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि हम लाइबिलिटी वो जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना है, और हम पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कैश हमारा वो भी डिक्रीज होगा, तो उसको भी हम उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी एम एस सिंह कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सोल्ड गुड्स टू एम एस राय एंड कंपनी 5,600, ये भी क्रेडिट सेल्स है। तो एम एस राय हमारे डेटर बनेंगे, उनको हम डेबिट करेंगे, और सेल्स सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। तो एम एस राय कंपनी डेबिटेड टू सेल्स। नाउ जैन 27 रिसीव अ चेक फ्रॉम एम एस शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। यहाँ पर आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की नीड है। एम एस शारदा एंड कंपनी ने हमें चेक दिया, तो हमें एम एस शारदा एंड कंपनी से पैसे लेना थे, हमने उनको गुड्स बेचे थे, यहाँ पे आप जेन 9 ट्रांजेक्शन में देख सकते हो, 10,000 रुपीज़ लेना थे। उन्होंने हमें चेक दिया है 9,750 रुपीज़ का, और यहाँ पर एक लाइन लिखी है इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। इसका मतलब जो ड्यू अमाउंट था उनका टोटल 10,000, वो उन्होंने 9,750 रुपये देकर पूरे 10,000 रुपये चुका दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उनको 250 रुपीज़ जो उन्होंने कम दिए उसका हमने उन्हें डिस्काउंट दिया है। यहाँ पर हमने उनको 10,000 रुपीज़ की सेल करी थी एम एस शारदा एंड कंपनी को, और यहाँ पर ये लिखा आया इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। मतलब ये कि 9,750 रुपीज़ हमने रिसीव करे, और जो 250 रुपीज़ है उसका हमने उन्हें डिस्काउंट अलाउ किया है। नाउ ये इन्होंने पेमेंट जो है चेक से करी है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस अमाउंट जो है कैश में रिसीव, वो बैंक बैलेंस रिसीव होगा, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे कैश को डेबिट नहीं करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, बैंक को। तो बैंक में हमारे 9,750 रुपीज़ आए, हमने डिस्काउंट अलाउ किया कितने रुपीज़ का, 250 रुपीज़ हमने कम लिए हैं, तो 250 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट अलाउ किया। और ऐसे करके एक असेट जिसको हमें 10,000 रुपये देना थे वो डिक्रीज हो गया। उनको पहले 10,000 रुपये देना थे जब वो असेट बने थे एम एस शारदा एंड कंपनी इस ट्रांजेक्शन में, तो वो डेबिट हुए थे। अब वो असेट ने पेमेंट कर दी तो वो असेट डिक्रीज हो जाएगा वापस, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। नाउ पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, सभी खर्च एक्सपेंस ही होते हैं, तो इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हम डेबिट करेंगे, और पेमेंट हमने कैश में ही करी है। जब कुछ नहीं हो तो कैश में पेमेंट होती है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। सैलरी भी एक्सपेंस है तो सैलरी को भी डेबिट करेंगे। सभी एक्सपेंसेस जब होते हैं बिजनेस में तो हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं। ये भी कैश में पेमेंट हुई है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। नाउ 31 जो है वो इम्पोर्टेंट है। रेंट पे की गई है बिल्डिंग की चेक से, जिसमें से हाफ बिल्डिंग जो है वो प्रोप्राइटर यूज़ करता है अपने रेसिडेंशियल यूज़ के लिए, अपने रहने के लिए वहाँ पे वो निवास करता है, और 5,000 रुपये की रेंट पे की गई है। तो इसका मतलब ये है कि 5,000 रुपये बिजनेस में से जो पे किए गए हैं, पहले तो वो चेक से पे किए गए, तो हम बैंक का बैलेंस कम करेंगे ही। नाउ सेकेंड, आधी बिल्डिंग वो खुद के यूज़ के लिए ले रहा है, तो वो ड्रॉइंग होगी। सो ऑफिस का रेंट है वो सिर्फ 2,500 रुपीज़ है, और जो उसका पर्सनल रेंट है वो भी 2,500 रुपीज़ है।
मतलब 5,000 रुपये की जो उसने पेमेंट करी है उसमें से हाफ आधा पैसा उसका बिजनेस का खर्चा है और आधा पैसा उसका पर्सनल खर्चा है जो वो बिजनेस से पे करा रहा है। और हम बिजनेस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिसमें बिजनेसमैन और बिजनेस सेपरेट है। तो जब बिजनेसमैन अपना निजी पर्सनल खर्चा बिजनेस में से पे करता है तो उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली उस पर्सन ने ड्रॉइंग करी है। ये ऐसा ही है कि उसने 2,500 रुपीज़ बिजनेस में से निकाले और अपने रहने का किराया दिया, उस वही सेंस क्रिएट करता है ये भी। तो सबसे पहले हम रेंट जो पे करी बिजनेस की उसको डेबिट कर देते हैं 2,500 रुपीज़ की। फिर 2,500 रुपये जो उसने अपने खुद के खर्चे के लिए लिए हैं, मतलब जो रेंट उसने खुद की पर्सनल के लिए ली है वो ड्रॉइंग है तो उसको भी डेबिट कर देते हैं। टोटल उसने 5,000 की पेमेंट करी और चेक से करी इसलिए उसका बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा, तो बैंक असेट है उसका बैलेंस रिड्यूस होगा तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। नाउ ड्रीव फॉर प्राइवेट यूज़। अब उसने 3,500 रुपीज़ निकाले अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, तो उसने ये प्राइवेट यूज़ के लिए पैसे कहाँ से निकाले ये गिवन नहीं है। इसका मतलब उसने कैश से ही, कैश की फॉर्म में निकाले, जो इन हैंड नोट नोट की फॉर्म में, करेंसी की फॉर्म में पैसा रहता है वो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो ये भी एक टाइप की ड्रॉइंग है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंट्री आएगी। ड्रॉइंग फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, जब भी ओनर पैसा निकालता है फॉर्म के लिए वो एक्सपेंस रहता है और कैश जो है वो रिड्यूस हो जाता है।